बड़े से बड़े कब्रिस्तान की बात सुनी होगी जहां लाखों लोग दफन होते हैं, लेकिन क्या कभी सुना है विमानों के भी कब्रिस्तान होते हैं? जी हाँ, अमेरिका में एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया में सैन्य विमानों के सबसे बड़े कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। यहाँ 4000 से ज्यादा बेकार हो चुके सैन्य विमान रखे गए हैं। इसके अलावा विमानों के इस कब्रिस्तान में कई अंतरिक्ष यान भी रखे हुए हैं। विमानों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान एरिज़ोना के टक्सन रेगिस्तान में है, जो करीब 2600 एकड़ में फैला हुआ है। यह आकार में लगभग 1400 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। ये जगह बोनयार्ड के नाम से मशहूर है। साल 2010 में गूगल अर्थ ने पहली बार इस जगह की साफ तस्वीर जारी की थी। यहाँ रखे गए विमानों में नए से लेकर अमेरिकी सेना द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए विमान तक शामिल है। शीत युद्ध के समय का बम वर्षक विमान B-52 भी इस कब्रिस्तान में रखा हुआ है। B-52 विमान को साल 1919 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुए SALT निशस्त्रीकरण समझौते के बाद अमेरिका ने अपने बेड़े से हटा दिया था। इसके अलावा यहाँ F-14 विमान भी रखे हुए हैं, जिसे हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टॉप गन में दिखाया गया है। इस विमान को अमेरिकी नौसेना ने साल 2006 में अपने बेड़े से हटा दिया था। अमेरिका का 309वां एरोस्पेस मेंटेनेंस और रिजर्वेशन ग्रुप विमानों के सबसे बड़े कब्रिस्तान की देखभाल करता है। यहाँ आने वाले विमानों की मरम्मत करता है, साथ ही उनमें से कुछ विमानों को वो उड़ने लायक भी बना देता है। यहाँ पुराने विमानों के इंजन सहित बाकी के कलपुर्जे सहेज कर रखे जाते हैं और उन्हें कम कीमत पर बेच दिया जाता है। अमेरिकी सरकार ने दूसरे देशों को भी यहाँ से पुराने कलपुर्जे और विमान खरीदने की छूट दे रखी है। विमानों के सबसे बड़े कब्रिस्तान यानी बोनयार्ड की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद की गई थी। असल में इस जगह को इसकी ऊंचाई और शुष्क परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चुना गया था, क्योंकि ऐसी जगह पर विमानों को बाहर रखने पर भी वो जल्दी खराब नहीं होंगे।